भाई साहब लगे हुए हैं। हाँ? देखिए कितना बड़ा शेर है और मैं इसके बीच में से जाऊंगा, कहीं बोर्ड फुड़ा ले तो अपने बन ड्रामा देखिए। अरे ये देखिए स्नान करने से है वो शक्ति आ जाती है। और अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया तो ओके प्रेम जी, ओके बाय, फिर मिलेंगे। रमेश जी चले क्या? हाँ जी चलो। राकू और राकू ने कपड़े देखे यार, कैसे ले रखे हैं, मतलब धोबी है क्या ऐसे लग रहा है। चलिए यहाँ से निकलते हैं। और आगे सौरभ हेलमेट ले रखा है। और इधर प्रमोद भाई, क्या चल रहा है प्रमोद भाई, क्या चल रहा है? ट्रेडिंग चल रही है। चलो चलते हैं यहाँ से, तो इस बिल्डिंग को बोलते हैं टाटा बाय बाय, बाय बाय। ओके ओके गाइज, मिलेंगे रोहतक में। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया गाइज, और यहाँ से निकलते हैं अब अपने घर की ओर। और रास्ते में रोहतक रुकेंगे, अब हम मिलते हैं आपको हाईवे पे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं नए सुबह की शुरुआत और आप सभी के साथ। अभी टाइम हुआ है 8:52 और हमें पहुंचना है रोहतक 10:30 तक पहुंचना है, क्योंकि हमें मिस्त्री ने अपॉइंटमेंट ली है हमारी कि आप इतने टाइम पे आ जाइए तो मैं आपको उस टाइम तक फ्री कर दूंगा। तो ज़्यादा लेट भी नहीं होना, तो ज़्यादा स्लो भी नहीं चलेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलेंगे। जितने लोग वीडियो देखते हैं ना सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अरे रमेश जी चलें क्या? चलें, आप पैदल क्यों चले? मेरे से गुस्सा हो गए थे क्या? अरे मैं थोड़ा सा वैसे रिलैक्स हुआ था। अच्छा रिलैक्स हुए थे, ठीक है समझ गया। ये जो एरिया आप सारा देख रहे हो ना, ये झज्जर से जो मानेसर की ओर जाता है, काफ़ी डेवलप हो रहा है ये, काफ़ी सारी कंपनियां, बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। और हम आ चुके हैं रोहतक वाले रोड पे, और ये भी रोड बनकर तैयार हो चुका है पूरा। टाइम हो चुका है 10:06 और नलके का ठंडा ठंडा पानी पीकर आ चुका है मज़ा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से अपना शोरूम है वो 7 किलोमीटर दूर है। तो ये लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं KTM के शोरूम पर। ये रहा KTM का शोरूम, और इसका पीछे से MAN डोर, ओ सॉरी सर्विस का जो डोर है, यहाँ से बाइक का है वो ऊपर चढ़ानी पड़ेगी अपने को। तो दोस्तों अपनी बाइक का वो काम है वो शुरू हो चुका है, और इसके अंदर कौन सेट की दिक्कत है और ये कौन सेट इसका चेंज होगा, और टायर है वो निकाल दिया है। और ये देखिए मिस्त्री भाई साहब लगे हुए हैं, और ये कौन सेट कुछ इस प्रकार से है, ये पूरा एक पैकेट है जो इसके अंदर अलग अलग पार्ट है। तो अपनी बाइक है वो रेडी हो चुकी है और अब चलते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अपना काम है वो हो चुका, कौन सेट है वो हमारा चेंज हो चुका है बाइक का, और हाँ अब चलेंगे यहाँ से। तो अभी मेरे को लगी है ज़बरदस्त वाली, मेरे को नहीं साथ में रमेश जी हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। तो अब दोनों देखेंगे कोई अच्छा सा होटल देखते हैं और वहाँ पे खाएंगे परांठे या फिर कुछ और, तो भूख है वो सह नहीं हो सकती भाई ज़्यादा टाइम तक। अभी रोहतक है वो पार करने ही वाले हैं, और अभी टाइम हुआ है 12:56, 1 बज गया यार, काफ़ी टाइम लग गया है ना रोहतक में, टाइम वैसे लग ही जाता है जी। देख लिया करो रे गाड़ी वाले भैया, भूख लगी है क्या? मेरे को भी लगी है भूख, काफी ज्यादा लगी है ना। परांठे मंगाए या फिर क्या मंगाए? अरे तो हम कर रहे थे राकू और नितिन का वेट, और खाना खा लिया हमें, खाना खाए उनको घंटा हो गई, तो अभी उनका वेट कर रहा हूँ लगभग। अभी टाइम 3 बज चुके हैं और अभी आने वाले हैं, जस्ट 5 किलोमीटर दूर है हमसे वो। दोस्तों राकू नितिन और सौरभ आ चुके हैं, तो अभी यहाँ से बस इनका आने का वेट था, तो अभी यहाँ से बस चाय वगैरह वगैरह पियेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। तो हमने शेरे पंजाब पर काफ़ी अच्छा खाना खाया और फिर पी चाय, और उसके बाद हम आ चुके हैं मुंडाल, और जो नितिन और सौरभ है वो मेरे से आगे थोड़ा, क्योंकि कई बार GoPro है वो हमारा थोड़ा बहुत हिल जाता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है।
रिकॉर्ड हो गया आपका, ये मोमेंट यादगार बन गया, ये हुई ना बात। हाँ गर्मी है ना, गर्मी बहुत है यार, पानी बार बार 50 किलोमीटर चलो फिर पानी पियो, 50 तो चलने ही नहीं दे रही बाइक। सौरभ को नींद आ रही है तो मैं इसको बिठाऊंगा पीछे, ताकि गुड़ने सुड़ने का भय नहीं रहेगा इसको। चलो बैठो पीछे, अभी टाइम हुआ है 4:43। कुछ देर पसीना आने के बाद फिर ये गर्म गर्म हवा लगती है ना, तो अंदर ठंडी ठंडी फील होती है, क्योंकि अंदर है वो पसीना आ जाता है ना। क्या बात है, राकू ने फेंट रखी है गाड़ी को। नितिन यहाँ से हिसार जाएगा और हम यहाँ से बाईपास से होकर अपने गांव की ओर जाएंगे। हिसार है वो क्रॉस कर लिया है हमने, तो हमारा प्लान है वो है अग्रवा रखने का। तो राकू कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ दिखा कर नहीं लाए, दिल्ली में ऐसे ही घुमा लाए, मैं बाइक पे पीछे बैठा बैठा ही तंग हो गया। तो उसकी ख्वाहिश है कि यार कम से कम मुझे अग्रवा का मंदिर है वहाँ पर तो ले चलो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर तो चलेंगे, तो वहीं पर जाकर चाय पियेंगे और वहीं पर जाकर कुछ बातें बातें मारेंगे और इन्जॉय करेंगे और फिर चलेंगे। फुल कर दो भाई साहब। हाँ है बस यहीं पे भाई साहब, यहीं पे जब मन किया तब निकल जाते हैं। हाँ काम तो और भी है, ये काम नहीं है। हाँ ये काम नहीं है, और भी है। आ जाओ बैठो। राकू ने मेरे गम्फी भर लिया गम्फी। अभी हम मिलते हैं आपको अगरुआ, यहाँ से बस थोड़ा सा रहा अगरुआ शायद 10 किलोमीटर होगा मुश्किल से। तो हम आ चुके हैं अगरुआ वाले मंदिर में। अच्छा हेलमेट उतारते ही तुम्हारा जी सुख पा जाता है क्या? अरे वाह, सुंदर माहौल है यार। रमेश जी कैसा माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? एकदम मस्त माहौल है, ये देखिए। ये देखिए अमरनाथ गुफा, ये इधर से तो बंद है, इधर से इधर। ओहो हो, इधर लिख रखा है इधर। हाँ, इधर से। ये हमें दर्शन हुए साक्षात शिव जी महाराज के, साक्षात शिव जी महाराज के दर्शन हुए। जय शिव जी महाराज, जय हो जय हो जय हो। महाराज जी साहब चाय पी रहे हैं, काफी रोशनी लगी है, मुझे लगता है ये काफी हजारों साल पुरानी गुफा है। ये मेरे हिसाब से हजारों साल पुरानी है ना रमेश जी गुफा? ये कम से कम हजारों से 1500 साल पुरानी है क्या? हाँ। अच्छा काफी पुरानी गुफा है ये। देखिए कितना बड़ा शेर है और मैं इसके बीच में सजाऊंगा। तो अभी शेर के अंदर से घुसेंगे और ये देखिए, ये मुझे लगता है गुफा का रास्ता खत्म हो गया, बस इतना ही था। नहीं यार आगे भी है, देखो आगे भी है। जय हो जय हो। अपना सिर है वो बचा करके चले, कहीं बोर्ड फुड़ा ले। तो अपने कृपा करके अपने सिर का ध्यान रखे, कहीं बोर्ड फुड़ा ले। हाँ तो यार बन रहा है। अरे ओए भाई साहब इतना अंधेरा, मुझे डर लग रहा है बीच बीच में ना, इतना अंधेरा जाता है कि पता ही नहीं चलता, खतरनाक है। ये देखिए, ये देखिए आप, काफी खतरनाक गुफा है। आप जरूर आए अगरुआ के मंदिर में, ये गुफा देखने के लिए आप जरूर आए। पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं हमें, काफी हाइट पर आ चुके हैं हम।
ये किस प्रकार से मतलब एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ा गया है। भाई तू कोनी तो तू ना कर, आप देखने आओगे तभी इसकी सच्चाई आपको पता चलेगी, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए आप कैमरे की नजर में है, हाँ कैमरे की नजर में नहीं, कैमरा हमारी नजर में है। कैमरा हमारी नजर में है। धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं हम, गुफा में घूमने का आनंद आ गया, बिल्कुल आ गया। सीरियसली गाइस हमें मजा आ गया। सच सच बता रहे हैं। तो आप इस मंदिर को देखने जरूर आए और अपने दोस्तों के साथ आए ताकि आपको पूरा एंजॉय मिले। माता वैष्णो देवी के दर्शन है वो करके जाएं जरूर जरूर। और ये देखिए व्यू देखिए आप, उधर हनुमान जी बाबा खड़े हैं। ये देखिए ये बाहर का कुछ दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बंदर जी आओ ना एक बार, बंदर जी डर गया बेचारा। ये देखिए देखिए ये देखिए बंदर बंदरिया ड्रामा रे अपन ड्रामा देखिए। अरे ये देखिए किस प्रकार से कर रहा है। अरे जरा देखिए, अरे बंदर की माँ मिल जाती ना तो वो हमारे पीछे पड़ जाती। जो सामने आप देख रहे हो ना रामेश्वर धाम है, शक्ति सरोवर यहाँ पर है। बताया जाता है कि जो पाप है वो कट जाते हैं। रमेश जी रुक जे यार, रमेश जी यहाँ से यहाँ पर नहाने से पाप कट जाते हैं क्या? यहाँ से पुण्य हो जाते हैं, पुण्य हो जाते हैं नहाने से। अभी तो खाली पड़ा है बिल्कुल, ये यहाँ पे तो कोई नहीं, कुत्ता घूम रहा है वो देखो, कुत्ता घूम रहा है इधर। तो आपके पाप पूरे हो गए यहाँ। और ये पार्क बना हुआ है ये देखिए, बड़े बड़े ओ ये देखिए घूंघट देखिए आप उनका किस प्रकार से हो रहा है देखने। और काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी सुंदर माहौल है यहाँ का। हम बोला साइकिल मिनी ट्रेन गाइस, हम अभी साइकिल के अंदर बैठ चुके हैं और इस साइकिल चलाएंगे मैं और रमेश जी हैं। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे लग रहा है कहीं अलग अलग ही चल रहे हैं ना। ये मुझे लगता है ऐसे गिरेगी ये, काफ़ी लंबा ट्रैक है ये, थोड़ी सी भगाते हैं चलो। तो देखिए भाई मेरे साथ है वो रमेश की ब्लॉगिंग के लिए सीख चुके हैं, मैं बस इन्हें तैयार कर रहा हूँ नेक्स्ट राइड के लिए, इन्हीं को लेकर जाऊँगा। सीखते सीखते सीख जाएंगे एक दिन, और क्या सीखते सीखते एक दिन सीख जाएंगे। आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे ना तो एक दिन बहुत आगे तक जाएंगे। ये वो नीचे है वो, उन्होंने मना कर दिया, बोले हम दो गिलास जूस फालतू पियेंगे। तो गाइस ये रमेश और रक्कू है वो दोनों मजे लेते हुए पूरा पूरा। ये देखिए ओहो इनके चेहरे पे खुशी तो देखिए। तो निकलते निकलते हमें काफ़ी लेट हो गए, 6:43 हो चुके हैं। चलो ओके ओके चलो चलो चलो। 3 दिन का मज़ा सारा अग्रवा धाम में हमें आ गया। इतना मज़ा हमें दिल्ली में नहीं आया क्योंकि दिल्ली तो वैसे भी मतलब पोल्यूशन और गर्मी के साथ भरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो मज़ा है ना अग्रवा के अंदर हमने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया है। राकेश बाजिया को देखो इसने पीछे से कैसे पकड़ रखा है। पिछवाड़े में इनके दर्द होने लग गया मुझे लगता है। हमारे पीछे तो टॉप बॉक्स लगा हुआ है तो जो पीछे बैठेगा वो रिलैक्स होकर के बैठेगा तो दिक्कत नहीं आने वाली। हमारे चैनल पर है वो बने रहें, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। और ये हमने लिया लेफ्ट टर्न और हाईवे को बोलते हैं बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। अब देखो सूर्य को, अरे यार सच में मतलब कितना लाल लाल बम जैसा दिख रहा है। अब जब दिन छिपने को आता है ना तो एकदम से अंधेरा पड़ने लग जाता है। अब देखो धीरे 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 आधे घंटे बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, सूरज देवता डूब चुके हैं, चंद ही मिनटों में अंधेरा छा जाएगा। जूस वाला नहीं है यहाँ पे, जैसे तैसे हमें जूस वाला भाई मिल ही गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम थोड़ा लेट हो चुके थे कि जूस वाला भाई मिलेगा क्या। अभी यहाँ से निकलते हैं और अपने गांव की ओर लौटते हैं, लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, और फिर रमेश जी को छोड़ेंगे फिर जाएंगे अपने घर से। सौरभ और राकेश जाएंगे अपने गाँव जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके ब्रो ओके बाय। तो हमने भाइयों को भेज दिया अपने घर पर और हम चले अपने घर पर। और आप भी
हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अभी के लिए करते हैं टाटा बाय बाय, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में।